कृष्णा। तो आज हम सवाल लेने वाले हैं कि भक्ति के भला क्या लक्षण होते हैं। अगर कोई वाकई में भक्ति कर रहा है, कैसे पता चलेगा कि वाकई में वो भक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो इसके लिए श्रीमद् भागवत में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि भक्ति करना बिल्कुल वैसे ही जैसे ही खाना खाना। खाना खाना, भूख मिटना और शरीर को शक्ति मिलना, ये तीन काम है। खाना खाना, भूख मिटना और शरीर को शक्ति मिलना, ये तीनों काम एक साथ हो जाते हैं। उसी तरह से जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो भक्ति करना, सांसारिक तृष्णाएं मिटना और जीवन मंगल का उदय होना, ये तीनों चीजें एक साथ हो जाती हैं। तो इसीलिए जब कोई भक्ति करता है तो लक्षण क्या होंगे कि उसकी सांसारिक तृष्णाएं, सांसारिक क्लेश, ये उसके खत्म हो जाएंगे उसके। और ये खत्म होंगे साथ साथ में क्या होगा, उसके जीवन में जो मंगल है उसका जीवन जो है और ज्यादा मंगलमय हो जाएगा। और ऑस्पिशियसनेस विल कम टू दैट पर्सन्स लाइफ। तो ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं, भक्ति होना, क्लेशों का जाना और ऑस्पिशियसनेस का आना, ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं। जिस प्रकार से खाना खाना, भूख मिटना और शरीर में आंतरिक शक्ति आना, ये एक साथ होते हैं। और हम देखते हैं कि जो लोग भक्ति करते हैं वास्तव में उनकी लाइफ में ना देर आर फ्यू पैटर्न्स विच वेरी नेचुरली मैनिफेस्ट, बड़े प्राकृतिक रूप से ना उनके बिहेवियर को चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लोग ना लोगों को जज करना छोड़ देते हैं। व्हाई टू जज अदर्स, जज करना छोड़ देना, कॉन्फ्लिक्ट से बचना। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा, पॉलिटिक्स होगी, वहाँ वो बड़े अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बिकॉज दे आर डूइंग नेचुरली देयर भक्ति। तो भक्ति करने से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ों में, पॉलिटिकल चीज़ों में, जजमेंटल एटीट्यूड, इन सबसे जो है व्यक्ति बचना शुरू कर देता है। और इसके लिए उसको कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती स्वाभाविक रूप से। जो पहले उसकी चिंता करने की जो उसने कला में महारत हासिल की हुई थी, छोटी छोटी चीज़ों में चिंताएं करना, ये महारत उसके अंदर से निकल जाएगी। यानी चिंता करना ना वो भूल जाएगा। और होता क्या है, ऐसे व्यक्ति जो भक्ति कर रहा होता है उसके अंदर एक और लक्षण आता है कि ना उसके लिए दूसरों की प्रशंसा करना, दूसरों में अच्छे गुणों को देखना बड़ा ही स्वाभाविक हो जाता है। सो टू अप्रिशिएट बिकम्स अ नेचुरल क्वालिटी इन दैट पर्सन। और होता है ऐसे व्यक्ति के अंदर सच अ पर्सन इज स्माइलिंग, और वो क्या जीवन के हर एक लम्हे को जो है वो इंजॉय करता है। क्यों? जो वो जानता है कि वास्तव में हर एक क्षण में भगवान की कृपा है, और क्योंकि वो हर एक क्षण में भगवान की कृपा को देख पाता है तो इसीलिए वो हर एक क्षण को वास्तव में एंजॉय कर पाता है। और एंड दिस पर्सन इज रियली जॉयफुल। तो चाहे सक्सेस हो, चाहे फेलियर हो, चाहे विक्ट्री हो या डिफीट हो, समर हो या विंटर हो, फेमी हो या इनफेमी हो, उतार हो या चढ़ाव हो, ये व्यक्ति हमेशा ना खुश नजर आएगा। तो इस प्रकार के कुछ सिम्टम्स हैं जो कि इसके अंदर मैनिफेस्ट होते हैं। और ये व्यक्ति जान पाता है कि ना मैं ऐसा नहीं था जैसे मैं पहले था ना, मैं उससे बदल गया हूँ। अर्लियर आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, लेकिन अब मेरा दूसरों को माफ़ करना बड़ा आसान हो गया। पहले ना मैं लोगों को जज किया करता था, लेकिन अब मैं जजमेंटल मेरा एटीट्यूड चला गया। तो ये वास्तव में होता है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति भक्ति कर रहा है। भक्ति करने के कारण जो भी उसके अंदर नेगेटिविटी है, गलत आदतें हैं, गलत एटीट्यूड्स हैं, वो कब चले जाते हैं उसको भी पता नहीं लगता, और उसका जीवन कब मंगलमय हो जाता है उसको इस बारे में भनक तक नहीं लगती। लेकिन हाँ, वो देखते हैं आई एम चेंजिंग इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आई हैव चेंज्ड अ लॉट। तो इसीलिए भक्ति जो है उसका लक्षण यही है कि जीवन में अमंगल जो है चले जाते हैं और जो मंगलमय जीवन है वो जीवन और ज्यादा आपके पास, आपके नजदीक, आपके हृदय में आ जाता है, आपकी चेतना में आ जाता है। तो इस प्रकार से भक्ति के ये लक्षण हैं जो कि व्यक्ति खुद महसूस कर सकता है और उसके आसपास के लोग भी महसूस कर सकते हैं। और जब वो उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि यार तू कितना बदल गया है, अर्लियर यू आर अ डिफरेंट पर्सन बट नाउ यू हैव चेंज्ड अ लॉट, तो भक्ति जो है वास्तव में चेंज लेके आती है, क्योंकि भक्ति जो है एक शक्ति है और बड़ी शक्तिशाली शक्ति है। तो इसलिए अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। हरे कृष्णा।